नमस्कार, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में अक्षांश संबंधी जो भी क्वेश्चन आए थे, अक्षांश क्या होता है, वो क्यों बनाया गया है, बीच दूरी कितनी होती, सब चीजें, यहाँ तक कि हमने ये भी देखा था जो हमारे मुख्य अक्षांश थे उनको हमने क्या करा था कि ये भी देख लिया था वो अक्षांश विश्व के किन किन देशों से होके जाते हैं, ये सारी चीजें हमने देख रखी थी। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम बात करेंगे देशांतर रेखा की। हमने आपसे बताया था कि पहले या दूसरे लेक्चर में जहाँ तक कि हम अक्षांश पढ़ेंगे, देशांतर पढ़ेंगे, फिर कहीं आगे पड़ाव पे जाएंगे, ताकि क्योंकि हर जगह वही अक्षांश देशांतर की बात आती है तो जरूरी है। इसलिए देखिएगा, हम आज शुरू करेंगे देशांतर, लॉन्गिट्यूड, देखिएगा। देशांतर की बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि देशांतर जो बनाया गया है वो पृथ्वी पर कहाँ खींचा गया है, किस दिशा में है, क्या चीज होता है, ये सब चीजों पे पूरे तरीके से बेहतरीन तरीके से समझेंगे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अक्षांश के बारे में कि कौन कौन से मुख्य अक्षांश है, कौन कौन से मुख्य अक्षांश है जो देशों से होके जाते, वैसे ही हम पढ़ेंगे यहाँ पर भी कुछ मुख्य देशांतर है जो कई देशों से होके जाते हैं, उनकी कुछ खास विशेषताएं हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे आज इस पूरे टॉपिक में। ठीक, शुरू करते हैं। देखिएगा, देशांतर, पहले ये जानें कि देशांतर होता क्या है। देखिएगा, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, एक होता ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव और जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये कहलाता है दक्षिणी ध्रुव। अब अगर देशांतर की परिभाषा की बात की जाए तो देशांतर की परिभाषा होती है कि जीरो देशांतर से किसी स्थान की कोणीय दूरी, ये हमारा जो हमने आपसे खींचा हुआ है ये हमारा है जीरो देशांतर, ये है जीरो देशांतर। हमने आपसे बताया कि जीरो देशांतर से किसी स्थान की कोणीय दूरी जो है, जो अक्षांशों की लंबवत होती है, उसे हम नाम देते हैं देशांतर का। जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी का केंद्र है, अगर कोई नया अक्षांश देशांतर हमें खींचना है तो यहां से कुछ दूरी पे हम कोण बनाएंगे और मिला के उन्हें खींच देंगे, एक रेखा खींचेंगे जो होके जाएगी और इसे ही नाम दे देंगे अगला। जितने अंश का कोण बनेगा, ये कोणी जितने अंश की होगी दोनों तरफ, उतने ही अंश की वो देशांतर रेखा कही जाएगी। ये बात आप पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। ये बात क्लियर हो गई कि जीरो देशांतर से कोणीय दूरी पर जो एक नया देशांतर खींचा जाता है उसे वो नाम दे दिया जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। देखिएगा, अब जैसे हम जान रहे थे कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, वो पश्चिम से पूरब की तरफ या पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई होती थी, वैसे ही जो देशांतर रेखाएं हैं वो पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर की तरफ खींची गई हैं। मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो भी रेखा होगी, इसे हम नाम देंगे देशांतर का। एक चीज हुई, अब हम जानेंगे, ये तो क्लियर हो गया कि देशांतर रेखा किस दिशा में खींची गई है, किसे कहते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होंगी उसे हम नाम देंगे देशांतर का। और अगर देशांतर नाम इसे देंगे तो इनकी एक विशेषता और बनती है, हम ये जान लेंगे कि कौन सी देशांतर के बीच दूरी कितनी होती है, ये भी जान लेंगे, इनकी संख्या कितनी होती है ये भी जान लेंगे। ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, हमने ये कहा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए कोई एक रेखा खींचेंगे उसको नाम देंगे देशांतर का। हमने कल आपसे बताया था कि पूरी पृथ्वी पर 360 अंश का कोण बनता है, 90 यहां 90 यहां 90 यहां 90 यहां, मतलब पूरे पृथ्वी पर जो कोण बनता है वो 360 अंश का बनता है। और हमने आपको ये भी बताया था कि हम एक अंश पे एक रेखा खींचेंगे,
एक अंश पे एक रेखा खींचेंगे, जिसकी वजह से इनकी जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 360। लेकिन अब थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि सर हमने कल काउंटिंग जो करी थी वो एक से शुरू करी थी, एक अंश, दो अंश, तीन अंश, ऐसे जाएंगे 360। लेकिन हमारे पास एक नई देशांतर है जिसको कहते हैं जीरो देशांतर, तो सर तब तो ये 361 होनी चाहिए, 360 अंश पे 360 रेखा। लेकिन हमने जीरो को काउंट नहीं किया था, जब हम जीरो को काउंट करेंगे 361 हो जाएगा। लेकिन फिर ध्यान दीजिएगा, जब आप यहां से आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो ये लास्ट वाली लाइन जो आपको मिलेगी, एकदम लास्ट वाली, ये होती है 180 अंश देशांतर। और इसकी ये विशेषता होती है, इसे हम दो देशांतर काउंट नहीं करते, इसे सिर्फ एक करते हैं, क्योंकि ये यहां से शुरू होती है और यहीं जाके क्या होती है, खत्म हो जाती है, तो इसे एक देशांतर माना जाता है। इसलिए फिर एक कम हो जाएगी, अब जो बचेगी वो हो जाएगी 360। ठीक, अगर कुछ चीजें थोड़ी जल्दी हो जाएंगी तो वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। हाँ, अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो रही है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में आइएगा, वहां लिखिएगा, समाधान किया जाएगा आपका। ठीक, तो आप लोगों ने देख ली, जो देशांतर की संख्या आपको पता चल गई वो हो गई 360। अच्छा, एक चीज और हम देखेंगे, जैसे हमने कल देखा था कि अक्षांश के बीच दूरी होती है, वैसे ही देशांतर के बीच भी दूरी होती है। देखिएगा, देशांतर के बीच दूरी कैसे, कहां ज्यादा होती है वो देख लीजिएगा। ये है हमारी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और ये बीच वाली जो है ये है जीरो देशांतर। ठीक, यहां पे दूरी ज्यादा है, और जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ बढ़ेंगे या जैसे जैसे हम यहां से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, इसकी जो बीच की दूरी है वो लगातार कम होती जाती है, और ध्रुवों पे आके कितनी हो जाती है, शून्य, यहाँ आके जीरो हो जाती है और यहाँ आके शून्य हो जाती है। मतलब ये कहा जा सकता है कि दो देशांतर के बीच जो अधिकतम दूरी होती है वो कहां होती है, विषुवत रेखा पे। दो देशांतर के बीच, ये मान लीजिए जीरो देशांतर है और ये मान लीजिए एक डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक, एक डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो जीरो डिग्री से एक डिग्री के मध्य जो अधिकतम दूरी होती है वो होती है भूमध्य रेखा। तो आप अगर लिखेंगे तो लिखेंगे कि एक देशांतर से अगली देशांतर के बीच जो अधिकतम दूरी होती है वो होती है भूमध्य रेखा पर। अब वो कितनी होती है, जो दूरी होती है भूमध्य रेखा पे वो होती है 111.32 किलोमीटर। ये कहां होती है, ये दूरी भूमध्य रेखा पे या विषुवत रेखा पे ये दूरी अधिकतम होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे हमारी दूरी क्या होती जाती, कम होती जाती है, और ध्रुवों तक जाते जाते ये पूरे तरीके से शून्य हो जाती है। ठीक, ये बात समझ आएगी, संख्या आपको समझ आएगी 360 है, इनके बीच की दूरी समझ आ गई। हाँ, एक चीज और, इनकी विशेषता है कि ये एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है। समानांतर इसलिए नहीं होती है कि यहाँ पे दूरी ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ये ध्रुवों की तरफ जा रही हैं, इनके बीच की दूरी कम होती जाएगी और एक स्थान ऐसा मिलेगा जहां एक ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, प्रच्छेदित कर देंगी, कट कर देंगी, इसलिए ये एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है। तो ये हो गई इनकी विशेषता है। अब हम आपको बता रहे हैं कुछ खास, जैसे कोई भी चीज होती है, मान लीजिए अगर ये चौड़ा चीज है, अगर 20 से एक लाइन खींचेंगे तो इधर हम पूर्व मानते हैं और इधर पश्चिम मानते हैं, वैसे ही हमारी पृथ्वी पर ये जो लाइन है जीरो देशांतर है, जो जीरो डिग्री देशांतर है, ये पूरे पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटता है। दो हिस्सों का मतलब इस रेखा के पूरब में पूर्व होगा और इस रेखा के पश्चिम में पश्चिम दिशा होगी। मतलब अगर ये कहा जाए, जैसे हमने कल आपको एक चीज और भी बताई थी
कि जो अक्षांश रेखा थी, जीरो डिग्री अक्षांश थी, जो ये जीरो डिग्री अक्षांश थी, इसके ऊपर क्या होता था? उत्तर होता था, और इसके नीचे दक्षिण होता था। इसके उत्तर दक्षिण, इसके इसके नीचे दक्षिण, और इसके पश्चिम में पश्चिम, इसके पूर्व में पूर्व। मतलब ये हो गया कोई एक खंड है, अगर इसको चार भागों में बांट दिया जाए कुछ इस तरीके से, ये बंटवारा हो जाएगा। तब अगर हमें ये बताना है इस रेखा के पूर्व में जो भी देश पड़ेगा तो उसे कहेंगे पूर्वी गोलार्ध वाला देश, इसे कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध वाला देश। लेकिन अगर लाइन यहां से एक लाइन खींच दूं, अब मैं कहूं कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ये किस गोलार्ध में है, आप कहोगे सर ये पूर्वी गोलार्ध में, अच्छी बात है, सही बात है, लेकिन ये पूरब होते होने के साथ साथ किस दिशा में है? दक्षिणी में। वैसे ही कोई भी देश होगा, जैसे भारत की बात की जाती है, तो भारत अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपका सीधा जवाब होगा कि वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये भी सही है। लेकिन अगर देशांतर के सापेक्ष देखा जाए तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, तो ये बात क्लियर हो गई। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात है तो ऑस्ट्रेलिया किस दिशा में है? ऑस्ट्रेलिया यहां पे है, और इधर पूर्व है और इधर दक्षिण है, इसका मतलब हो गया दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ऐसे ही किसी भी देश की लोकेशन अगर आपसे पूछी जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो ये हो गई इसकी विशेषताएं। अब देखेंगे जो जो शून्य अंश देशांतर है वो कब बनाया गया, उसकी क्या खास विशेषताएं है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा जीरो डिग्री देशांतर, अब इसके बारे में आप अगर लिखना चाहें, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे आप लिखते जाइएगा जीरो डिग्री देशांतर की बात। पहली विशेषता है कि इससे समय का निर्धारण किया जाता है, पूरे विश्व का जो निर्धारण किया जाता है समय का, वो इसी रेखा को मान के किया जाता है। तो इसका मतलब पूरे विश्व की जो समय निर्धारण करने वाली रेखा है वो हो गई जीरो डिग्री देशांतर। दूसरी बात, ये रेखा इंग्लैंड की राजधानी लंदन, आप अगर एटलस में देखेंगे आपको याद भी होगा, इंग्लैंड की राजधानी लंदन का एक स्थान है जिसका नाम है ग्रीनविच। एक स्थान है इंग्लैंड की राजधानी लंदन में ग्रीनविच, उसके समीप से होके क्या करती है? गुजरती है। और इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया मानक देशांतर, मानक देशांतर या प्रधान यामोत्तर। प्रधान यामोत्तर या इसे ही कहते हैं मध्यान रेखा। इतने नामों से शून्य अंश देशांतर को जाना जाता है, ये पहले जान लीजिए। देखिए जो जीरो डिग्री देशांतर है उसे नाम दिया जाता है मानक देशांतर, प्रधान यामोत्तर या मध्यान रेखा। अब बात आती है कि ये कहां से गुजरती है, लंदन की राजधानी है, सॉरी इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, और वहां का एक स्थान है जिसका नाम है ग्रीनविच, वहां से ये रेखा होके गुजरती है। इतनी बात क्लियर हो गई, आप लिखते रहिएगा अपने लैंग्वेज में। दूसरी बात, जब ये रेखा इंग्लैंड के लंदन और ग्रीनविच से गुजर रही थी तो ऐसे ही नहीं मान लिया गया, कुछ विशेषताएं हुई, तो वाशिंगटन डीसी में एक काम किया गया, वाशिंगटन डीसी में एक बैठक बुलाई गई, एक सम्मेलन बुलाया गया, उसमें इसका निर्धारण किया गया। अब वो वाशिंगटन डीसी में जो डेट थी वो थी 22 अक्टूबर 1884 में वाशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन किया गया, एक गोष्ठी की गई, उसमें
जीरो देशांतर को मानक समय प्रधान या उत्तर या मध्यान रेखा निर्धारित किया गया जो लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होके गुजरती है। इतनी बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो के एक दो बार प्ले करके देखेंगे, आसानी समझ आए। अगर नहीं आ रहा है कुछ चीजें कंफ्यूजन में तो कमेंट बॉक्स में आइएगा, लिखिएगा, आराम से मिलेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक ठीक, आगे देखते हैं वाशिंगटन डीसी तक। अब जो हमें बात करनी है वो ये बात करनी है कि जो जीरो देशांतर है वो आखिर कितने देशों से होके गुजरती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो जीरो देशांतर जो है वो 9 देशों से गुजरती है। 9 देशों से कौन गुजरती है? जीरो देशांतर। अब ये 9 देश कौन कौन से हैं जानना जरूरी है। कभी कभी पूछा जाता है कि जीरो देशांतर पे कौन सा देश स्थित है, ऐसे ऑप्शन बना के दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। देखिएगा 9 देशों में कौन कौन से देश हैं। जो पहला देश है यूनाइटेड किंगडम, मतलब लंदन। यूके पहला देश होगा, यूनाइटेड किंगडम यूके। दूसरे देश की बात करेंगे तो उसके नीचे देखेंगे फ्रांस आपको मिलेगा। अगर फ्रांस के आगे थोड़ा सा जाएंगे तो आपको मिलेगा स्पेन, और स्पेन के आगे अगर जाएंगे तो वहां मिलेगा अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है अल्जीरिया। और अगला देश है अल्जीरिया के नीचे, अगर थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो वहां मिलेगा माली। और अगर माली के नीचे जाएंगे जो छठा देश मिलेगा वो मिलेगा बुर्किना फासो। और जो सातवां देश है वो मिलेगा घाना। आठवां देश है जिसका नाम है टोंगा। और जो नौवां देश है वो है अंटार्कटिका। अच्छा, ये देश नहीं महाद्वीप है एक तरीके से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बदल के कि कौन सी देशांतर अंटार्कटिका से सीधी जाती है। तो जो जीरो देशांतर वो सीधे सीधे किससे होके जाती है? एक महाद्वीप से होके जाती है। बाकी बहुत सारी लाइनें जो यहाँ जाके खत्म होती हैं, लेकिन अगर मुख्यतः बात की जाएगी जीरो देशांतर की। ये हो गए 9 देश। अच्छा, अगर आप जल्दी जल्दी लिख नहीं पा रहे हो तो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, आराम से लिख लीजिएगा, पूरा समय स्क्रीन शॉट लेने का। और कुछ लोग कहते हैं याद नहीं होता है, मोबाइल नंबर बहुत जल्दी याद हो जाता है, व्हाट्सएप नंबर बहुत जल्दी याद हो जाता है, गाना बहुत जल्दी याद हो जाता है, ये कौन सी बड़ी चीज है? ऐसे ही एक तरफ से याद करेंगे तो याद हो जाएगा ये भी। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोंगा और अंटार्कटिका। इनका काम करना है कि इनकी राजधानी आपको इनके सामने लिखनी है खोज के, ये आपका काम है। ठीक, तो इस वीडियो में यही तक रोकेंगे जीरो देशांतर को। और अभी एक देशांतर बचा हुआ है 180 डिग्री, इसके बारे में अगले वाली क्लास में चर्चा की जाएगी। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, नमस्कार।